ये था पूरा शिप वो बहुत ही अच्छा था गाइस, आप ये देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं चिमनी। जैसे ये है 11 नंबर वाली, देखो गाइस ये क्रेन है और भाई क्या ही व्यू, वो सुपर क्या आप क्यों क्यों हेलो गाइस, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, अभी तो पानी खाली हो गया है कोई रीजन की वजह से, ठीक है। और ये स्विमिंग पूल है, इसमें अभी कम से कम 20 की कैपेसिटी है और 18 फीट इसकी क्या बोलते हैं डेप्थ, 2 मीटर इसकी डेप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप दिखाइए, ये शावर है हमारा, ये शावर है, यहाँ से पानी खोल सकते हैं। अभी शिप बंद होने की वजह से ये शावर अभी बंद है। ये तो हमारा अभी शुरुआती है, वरना हम लोग को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ब्लॉग वगैरह किस तरह शूट करते हैं, क्या बनाना है, बाकी शिप के ऊपर जाने से पहले हम लोग को स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है और धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे कि भाई शिप के ऊपर जाना है तो इंजन कहाँ पे है और आगे का नाल कहाँ पे है और क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल और कहाँ से ऑपरेट होता है, कहाँ बार है, कहाँ सिनेमा घर है, ये सब हम लोग को मतलब स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती होगी कि यहाँ से हम लोग को जाना है और ये एरिया हम लोग को कवर करना है। लेकिन डोंट वेरी, हम लोग के पास शिप आती रहती है, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे इससे अच्छे अच्छे ब्लॉग हम आपके लिए लाएँ। तो भाई जैसे कि जावेद भाई ने बोल दिया, ऐसे ही हम बहुत अच्छी ट्राई करेंगे। और दूसरी बात, जैसे कि अपना जो व्लॉग रहता है वो स्क्रिप्ट में नहीं रहता भाई, जो सामने दिख गया वही बोल दिया, तो उस तरह का कुछ चक्कर है। तो अभी हम जावेद भाई के साथ रह के बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी लेंगे और ये बहुत ही अच्छे कैमरामैन और एडिटर भी बहुत ही अच्छे हैं, तो बहुत जल्द इसके साथ भी हम कुछ प्लानिंग करेंगे। ओके जावेद भाई, ओके। तो अभी कैसा आया कैसा नहीं अपने को आइडिया नहीं है, तो अभी इधर हो चुका है बहुत ज़्यादा टाइम, तो यहाँ से सीधा चलते हैं ऊपर, मतलब उतना ऊपर नहीं रहे भाई, इधर ऊपर। तो गाइस हम लोग अब जाएंगे ऊपर के टॉप फ्लोर पे, जहाँ से मतलब ऊपर का टॉप फ्लोर और वहाँ से पूरा अपने को क्लियर दिखेगा और सबसे ऊपर जाएंगे। ये हम लोग स्विमिंग पूल के एरिया में, तो लेट्स गो। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं ऊपर सेंटर में, ओके, सबसे ऊपर के माले में। और आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा स्विमिंग पूल है, ओके, शिप के सेंटर में स्विमिंग पूल है, जिसकी भी डीप 1.8 मीटर है, यानी तकरीबन 2 मीटर जितनी है। यहाँ मतलब जो भी स्विमिंग पूल है उतने खतरनाक नहीं होते कि भाई आप डूब जाओ। और आप देख सकते हो जैसे कि अभी सारे केबिन का माल खाली हो रहा है, केबिन का सामान खाली हो रहा है, तो पूरा केबिन का सामान खाली हो जाएगा। गाइस आप ये देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं चिमनी। जैसे इंजन वगैरह अगर धुआं निकलता है तो इसी के जरिए पूरा धुआं निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग चिमनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो अभी पता नहीं, अपने भाषा में तो चिमनी ही बोलते हैं। तो आपको मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये बहुत बड़ी चिमनी है। और गाइस आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग काम करते हैं ये शिप के ऊपर, इसको मतलब खाली करने में, केबिन वगैरह खाली करने में कम से कम 100 से 150 आदमी एक दिन में लगते हैं। आप सब जगह पे एरिया वाइज सब अलग अलग कर दिया हुआ है, कोई पार्टी वाले आते हैं तो वगैरह सामान वगैरह देखते हैं, कोई खोलने वाले आते हैं सामान खोलने वाले। ये आप जो क्रेन देख रहे हैं, ये क्रेन सेपरेट क्रेन है, इसकी मदद से सारे सामान नीचे ले दिया जाता है। अभी हम लोग अभी एकदम टॉप फ्लोर पे, आप ये देख सकते हैं ये है सैटेलाइट, जिसके वजह जिसके मदद से शिप चलती है। अभी थोड़ी देर में आपको जहाँ से शिप ऑपरेट होता है वहाँ पर आपको ले जाएंगे, यानी कैप्टन रूम में, उसको ब्रिज रूम भी कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे कैसे ऑपरेट होता है, क्या ऑपरेट होता है, चालू करके नहीं बताएंगे लेकिन मशीनरी पूरा आपको दिखा देंगे कि इसको ये चीज़ कहते हैं, जिसको रडार का सामान बोलते हैं। और गाइस एक और स्विमिंग पूल हमें मिल गया है जो स्पेशल किड्स के लिए बने हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो स्पेशल किड्स के लिए है, ताकि मेरे ख्याल से जहाज में टोटल 3 स्विमिंग पूल है, 2 बड़े हैं और 1 छोटे जो स्पेशल किड्स के लिए है। इसमें तो इतना कुछ खास नहीं मुझे नज़र आ रहा है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ जो भी है। तो गाइस यहाँ पर
बास्केटबॉल का पूरा ग्राउंड भी है। जैसे गाइस आप देख सकते हो एक क्रेन है और एक क्रेन की मदद से आप सारा सामान नीचे उतर रहा है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ सही से। अभी आ चुके हैं एक फ्लोर नीचे, तो यहाँ पे ये सारे रूम है बंद, देखो ये सारे बंद है। और यहाँ पे है बहुत ही अच्छी चेयर, मैं सब खा के बैठ गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, सॉरी आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया हूँ। दूल्हे राजा बैठ गए थक हार के, यहाँ पे बहुत ज्यादा थक गए हैं। वैसे भी क्या बोलते हैं, हेल्थी लोग ज्यादा थक जाते हैं चलने से, इसलिए थक गए हुए हैं, इसलिए बैठ गए। देखो दूल्हे राजा के जैसा क्या बोलते हैं नया नया सोफा है लाल। मैं आपको बता रहा हूँ जावेद भाई ने इधर फोटो खींची है तो मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने भी जावेद भाई को बोला कि जावेद भाई मेरे को भी फोटो खींच कर दो ताकि मैं भी इंस्टाग्राम पे डालू ना, एक नंबर एक नंबर। तो अभी कॉल आ गया तो पहले तो यहाँ से हमने की है एंट्री। और भाई साहब क्या व्यू है यार। ओ जावेद भाई वो क्या है, तो अपने जावेद भाई कुछ कर रहे हैं शरारत, कुछ है टेबल जैसा। और यहाँ से क्या ही व्यू है, नीचे देखो भाई सीधा जहाज, और ये जो है ना स्लिपली ओ माय गॉड माय गॉड। तो भाई ये क्या कॉफी का मशीन है क्या शायद? हाँ ओ और ये टेबल भी बहुत ही अच्छा है। वो क्या है भाई, इधर थ्रो करो एक हाँ ऐसे ही देख कैमरा के पास थ्रो करो भाई, इधर इधर भाई कैमरा फूट जाएगा, बस भाई फूट जाएगा। एक सही आया, दूसरा सही आया, वो जो इधर मेरे पे लगा ना वो एक नंबर आया। जावेद भाई भी निजाम भाई के चक्कर में फास्ट फास्ट भाग रहे, तो यहाँ पे है हा मज़ा आ गया। तो भाई ऐसा कुछ है व्यू, जो 120 नंबर में जो स्टार क्रूज थी वैसा ही कैसीनो टेबल है, लेकिन ये जो शिप है ये है 11 नंबर वाली स्टार क्रूज। तो इधर से है एंट्री और यहाँ से है ऐसा कुछ, बंद हो जाएगा। ओके अब बताइए भाई, सुपर व्यू आ रहा है भाई एक नंबर। ये गेम सुनो, एक गेम का नाम क्या है? कैसीनो, वही है ना भाई, मतलब कैसीनो मतलब वो गेम, तो अपने को भी नहीं पता है कौन सा क्या गेम बोलते हैं। और इधर है बहुत ही अच्छे अच्छे कैलकुलेटर जो कि है सुपर डुपर कैनन। ओ हो तो भाई कंप्यूटर सुपर फास्ट कंप्यूटर। ओ अच्छा इधर खिड़की है, मैं सोचा सीधा पानी, ये कंप्यूटर है। एक नंबर है भाई, और इधर चेयर सारी बहुत ही एक नंबर है भाई। और इसमें देखो नीचे वो भी है और रोलिंग करती है ना, ये देखो कुर्सी जो है ना, हाँ रोलिंग वाली कुर्सी है। हाँ देखो मैं करने बता रहा हूँ। ओके भाई आ जाओ, ये आप देख सकते हैं सोने का है, दिखाओ सोने का नहीं है पीतल का है। सोने का तो कुर्सी पे तो ही नाम बैठा थे, कुर्सी लेके भाग जाते दरिया में कूद के। भाई ऐसा मत बोलना, मैं सारा वीडियो रो डालने वाला हूँ। तो भाई इधर सारी चेयर है कुछ ऐसी, तो यहाँ पे भी है कुछ काउंटर भाई, इधर भी है यार देखो। और व्यू पीने का शौक नहीं है मेरे दोस्त, वो तो दिल में गमी इतनी है, जलाने तो पड़ेंगे, जलेगी तो। देखो गाइस एक क्रेन है
और क्रेन सामान क्रेन के हिसाब से सामान वो ले जा रहे हैं, आपको भी नज़दीक में जाके दिखाएंगे। ये क्रेन जो है शिप क्रेन है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये शिप क्रेन है पूरा, और ये पूरा क्रेन ही है शिप के ऊपर, और यहाँ से सामान नीचे ले जाएगी, जो भी ये सब खुला पड़ा हुआ है फर्नीचर वगैरह जो भी खुला है ये सब नीचे ले जाएगी। रास्ते में हमको एक मिल गया डोरेमोन, और यहाँ पे है कुछ जनरेटर उधर स्टार्ट, ये जनरेटर इधर है पिंटू, वो जो क्रेन ऊपर लेके जाएगी वो। अभी हम पानी के प्यास से मर रहे तड़प रहे, तो अभी हमको कहीं पानी मिल जाए तो अच्छी बात है। इधर है स्पून और बहुत ही अच्छी फोटो खींचाई, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि अपने को डोरेमोन मिल चुका है और जावेद भाई को डोरेमोन ने दिया है गिफ्ट। और भाई साहब क्या ही व्यू है यार, ये देखने वाली चीज है। और ये है कुछ गेम, और भाई क्या व्यू है यार, शानदार व्यूज। ये व्यूज के पीछे तो हम पागल है, ये देखो। और ये है गेम जोन ये, और ऊपर जनरेटर स्टार्ट है। इधर निजाम भाई जावेद भाई को पानी की, हमको और सबको पानी की तलाश है। और ये शायद था स्टेज इधर, और यहाँ पे है सारी सीट, इधर है सोफा, और इधर से है बहुत ही अच्छा व्यू। और यहाँ पे है सारे टेबल चेयर इन, और भाई साहब सब ने छोड़ दिया मेरे को अकेले क्योंकि सबको है पानी की तलाश। और इधर है बहुत ही अंधेरा, ये देखो वो भाई की जहाँ तक और जा रही थी वहाँ तक। और ये आ गए अपने जावेद भाई, क्यों मेरे को छोड़ के भाग रहे जावेद भाई? हाँ भाई पानी नहीं पीना है, तो अभी अपने को निकालनी पड़ेगी अपनी टॉर्च। ये देखो तो भाई क्यों इतनी जला जला के रखते हो भाई? अपने पास एक ही है, सही है। जिम में चलो भाई लोग, अभी आप लोगों को करना पड़ेगा कुछ मैनेज। और इधर देख लो ओ भाई, हो सुपर, हाँ सुपरमैन मुसलमान का, क्या बात कर रहे। लेकिन बहुत ही ब्लैक आया, ब्लैक आया भाई, हत्या करोगे क्या हमारी? भाई पहले एक व्यू ले लो, बाद में आप सबकी फोटो खींचता हूँ मैं। ये देखो ये ये व्यू देखो। और इधर टेबल भाई, हम तो सिर्फ इस तरह ही देखते हैं भाई, आपके लिए देखने के लिए आ चुके भाई। और आप लोगों को इधर की एक स्टोरी बताऊं, ये शिप के लिए हमने 5 मरतबा परमिशन ली। निजाम भाई अपना वो राज की बात बताओ, ये शिप के लिए हमने कितनी मरतबा कम से कम वो ली होगी परमिशन? 4 बार मेरे भाई, मैं 5 बोला था। हाँ ये देखो भाई, ये भाई वसीम भाई वीडियो देखेगा तो बड़ी बड़ी गाली देगा। भाई इधर है ना, मेरी बात सुनो भाई। और निजाम भाई वीडियो के सामने बता रहा हूँ, एक भाई पानी की बोतल लेके ऐसे जा रहा था, मैंने उसको पूछा कि भाई पानी कहाँ पे, बोलता ये पानी पीने के लिए नहीं है। एक भाई के पास में पड़ा था बोतल, मैंने उसको बोला ना भाई पानी किधर, बोलता आगे है। साला पड़ा था फिर ऐसा नहीं बोला कि भाई पानी पी लो। कोई नहीं देगा, क्यों देगा? तुम वहां से आए, तुम लेके आए क्या नीचे? वो बेचारे शाम तक काम करेंगे। नहीं हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई उसने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन ऐसा तो बोलना चाहिए ना। ओके भाई चलो वीडियो बंद।